नमस्कार, आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा और आज हमारे साथ एक छोटी सी बच्ची है विधि जैन, जिसने इंटरनेशनल गोल्ड मेडल जीता है कराटे के अंदर। और ये आज छोटी सी बच्ची जो है सभी बच्चों के लिए एक प्रेरणा बनकर पहुंची है नेपाल से, और इसके जो दादा दादी हैं, मम्मी पापा हैं, उन सभी का नाम जो है रोशन कर दिया है। फिलहाल इसी से बात करेंगे। कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप कितने साल के हो? मैं 9 साल की। तो भाई, छोटी सी बच्ची 9 साल की सबके लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। आपने इस कराटे चैंपियनशिप में कैसे, मतलब आपको किसको डेडिकेट करना चाहेंगे अपना ये अवार्ड? मैं दादाजी को। आपके दादाजी आपकी इंस्पिरेशन है? हाँ। उन्होंने आपको कैसे मदद दी? वो मेरे को हर रोज कराटे छोड़ते हैं, वो मेरे को सपोर्ट करते हैं कराटे के लिए। आप कितने साल की हैं? 9। तो इतनी छोटी सी बच्ची और जो है इनके पूरे पेरेंट्स, पूरी फैमिली आज यहाँ पर इकट्ठी हुई है, क्योंकि बहुत खुशी की बात है जब एक नन्नी मुन्नी बच्ची आपके पूरे घर का नाम रोशन करती है। फिलहाल प्राउड पेरेंट्स मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करें। नमस्कार मैम, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, हमारी बेटी जीत के आई है आज। किसी त्योहार से कम नहीं हमारे लिए ये दिन। सर, आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। पहले भी बच्ची ने बहुत सारे मेडल्स लिए हैं, आज इंटरनेशनल खेल का, ये पूरे परिवार का, अपने स्कूल का, पूरे देश का नाम रोशन किया है। जी, 6 कंट्रीज वहाँ आई हुई थी और नेपाल की टीम को हरा के बिटिया ने गोल्ड मेडल लिया है। तो भाई, ये छोटी सी गुड़िया जो आपको दिख रही है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, क्योंकि इसने 6 कंट्रीज, जी हाँ, इंटरनेशनल अवार्ड जीता है। छोटी बात नहीं है। वही इसके दादाजी जो इसको हमेशा छोड़कर आते हैं, वो इनकी इंस्पिरेशन है, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। सर, जो लोग कहते हैं कि घर में बेटी हुई है, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं जी, मेरी 3 पोती है जी, और मैं तीनों को कराटे कर, दूसरी को और तीसरी को इनको भी कराटे करवाऊंगा जी। 3 पोती है, तीनों मेरी जान से ज्यादा प्यारी है, बहुत जान से ज्यादा प्यारी है तीनों मेरे को। तो भाई, जो लोग एक मानते हैं कि बेटियां कम होती है, तो ये देख लीजिए, इसको साक्षात आप देखकर पहचान चुके होंगे कि बच्चियां जो है वो लक्ष्मी माँ का रूप होती है। और ये तीसरी पोती है जी, ये चाचा जी है जी लड़की के। दादी से भी बात कर लेते, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत। ये तो हमें इनाम पे इनाम दिए जा रही है। पिछले साल अहमदाबाद जीत के आई थी, तभी छोटी सी जो बच्ची है ना, ये बहुत सारे अवार्ड जीत चुकी है और आने वाले टाइम में बहुत सारे अवार्ड जीतेगी। तो इस लड़की को जो है बहुत सारी बधाइयां। और इसकी नानी कहाँ गई? नानी जी तो उनको तो हम भूल ही नहीं सकते। नानी जी तो सबसे ज्यादा अपने बच्चे को लाड दुलार करती है, तो उनसे भी बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत खुश है हम, बहुत खुश है। आपको खुशी हो रही है कि आपकी छोटी सी बेटी ने? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा। तो पूरा परिवार फिलहाल बहुत खुश है। और आज हिसार के रेलवे स्टेशन पर ये बच्ची जैसे ही नेपाल से आई, तो पूरा परिवार जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए और खुशी की बधाई दी, और सारे परिवार में खुशी का माहौल है। इनकी परिवार से इनके चाचा चाची, इनके मामा मामी, सब पूरा परिवार जो है काफी खुशी से, मामा मामी से भी बात करते हैं। ठीक है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई। इतनी छोटी सी बच्ची है और इतना बड़ा अवार्ड लेकर आई है। सही बात है, बहुत बहुत नाम रोशन किया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी। आप तो फुल तैयार होकर आए हैं कि आज मेरी छोटी बेटी ने जो है अवार्ड जीता, मैं तो सबसे ज्यादा दिखूंगी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको बहुत अच्छा लगा? और छोटी जिनकी एक ये सोच होती है कि लड़कियां जो है कम होती,